जाओ। कान्हा अब बस करो, सामने आ जाओ। ये पुष्प तो कितने सुंदर है, ये पुष्प तो कितने सुंदर है। पुष्पों को स्वयं मैंने अपनी पुष्प वाटिका में लगाया है, देखो है ना ये बहुत सुंदर। हाँ राधे, वसंत की ऋतु में देखो भूमि कितनी खूबसूरत हो जाती है। सत्य कहा कान्हा, ये दृश्य कितना सुंदर है। पर कान्हा अभी चलो, हमें गैया चराने ले जानी है। हाँ चलिए बलदाओ। राधा राधा, पता है अभी मैंने चाची के पास एक अद्भुत सुंदर फूल देखा, वो केवल पहाड़ पे धूप की तरफ ही खिलता है। हाँ रिया, पता है कहते हैं वे फूल सूर्य देव द्वारा धन्य है और उनकी तरफ चेहरा कर कर ही खिलते हैं। मुझे भी वो फूल चाहिए। क्यों नहीं रिया, किंतु अभी अगर हम घर नहीं लौटे तो यशोदा मैया जरूर गुस्सा होंगी। मैं अभी सूर्यदेव की दुर्बलता प्रमाणित कर सकता हूँ। ऋषिराज, आप हमें शिक्षा देते हैं कि सूर्यदेव उनके भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, है ना? वत्स, ये सब मैं अभी उनको आवाहन करता हूँ। उनकी इतनी महिमा है तो अभी यहाँ उपस्थित हो। ओम सूर्यदेवाय नमः। तुम अपने सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हो। रात में सूर्य देव दर्शन देंगे तो पूरी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। तुम इस तथ्य को उनकी दुर्बलता के स्वरूप पेश कर रहे हो। मेरे आश्रम में ऐसे अहंकारी शिष्यों का कोई काम नहीं है। मेरी वसु, तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। लगता है इस आदमी का मतलब कुछ बुरा है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। प्रणाम श्री कृष्ण और बलराम, आप दोनों अगर समय पर नहीं आते तो वो श्रीवासु फिर लौट कर आ सकता है, इसलिए हम आपकी सुरक्षा के लिए यहीं पर रुकने की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु, आज सूर्य देव का ऐसा मुरझाया हुआ रूप, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मुनिवर। राहु देव ने उत्तेजित होकर सूर्य देव को अचानक ग्रसित कर लिया है। मुनिवर, राहु देव ने ऐसा क्यों किया? श्री वसु ने राहु देव को सूर्य देव के विरुद्ध उत्तेजित किया है। श्रीवासु की बातों में ना आए और सूर्यदेव को कृपया मुक्त करें। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ प्रभु। प्रभु, राहु को सत्य बता, मुझे उनके ग्रास से मुक्त करने के लिए मैं आप दोनों का आभारी हूँ। आइए, मेरे रथ से मैं आपको वृंदावन पहुँचा देता हूँ। दूर ब्रह्मांड के लिए जा रहे हैं।
कुछ दिन में लौट आएंगे। भोजन है और वापसी में मेरे लिए कोई प्यारा सा तोहफा जरूर लाना। इतना मोहक वन कहीं नहीं देखे, तो फिर यहीं बैठ भोजन कर कुछ विश्राम किया जाए। ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा। नारायण नारायण, यहाँ भी पशुओं का ऐसा आचरण? प्रणाम मुनिवर, ऐसा आचरण और कहाँ देखा आपने? प्रभु,
इंद्रलोक में स्वयं इंद्रदेव का हाथी ऐरावत भी विक्षिप्त आचरण कर रहा है। वृंदावन जैसे और कई गांवों में भी गायें, बैल, सारे पशु और पक्षी अद्भुत जंगली आचरण कर रहे हैं। परंतु मुनिवर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सिंहासुर नामक एक अति दुष्ट असुर के कारण हो रहा है। वो दुष्ट पशुपतिनाथ को प्रमाण करना चाहता है कि वो ही सारे पशु जगत का चालक है, इसीलिए वो पशु पक्षियों को भ्रमित कर रहा है और उधम मचा रहा है। परंतु मुनिवर, ये पशु उसकी बात का पालन क्यों कर रहे हैं? सिंहासुर सारे पशुओं को देवों के बारे में असत्य बातें बतला रहा है। हमें आज्ञा दें मुनिवर, और कृपया बताएं वो दुष्ट सिंहासुर रहता कहाँ है? नदी के उस पार घने जंगल में गुफा है जहाँ से वो ये काम करता है। मुनिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सिंहासुर को उसकी गलत योजनाओं से रोकने में कामयाब हों। कान्हा चलो, हम उस सिंहासुर के सदन में चलते हैं। हम सब भी चलेंगे कान्हा। नहीं रिया, तुम सब की वृंदावन में ज्यादा जरूरत है। तुम सब मिलकर यहाँ घायल पशु पक्षियों का ख्याल रखना, हम जल्द ही लौट आएंगे। सिंहासुर के राज्य में श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत है। सिंहासुर, पशु जगत में तुमने जो अशांति और विनाश फैला रखा है उसे तुम्हें तुरंत रोकना होगा। ये लड़ाई मेरी पशुपतिनाथ देव से है, आप दोनों उसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता, पशुओं के ऐसे आचरण से ब्रह्मांड में क्षति हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। मेरी चेतावनी न मानकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप पराजित हो, ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी। मैं तो सिर्फ पशुओं का अधिकर्ता घोषित होना चाहता हूँ, किंतु पशुपतिनाथ देव नहीं माने और ना ही आप। इसका दंड तो आपको जरूर मिलेगा। आक्रमण! बलदाऊ, उस दिन आप बांसुरी पे कौन सा राग सुनने की इच्छा कर रहे थे? मल्हार? जो आज्ञा बलदाऊ। ये क्या हो रहा है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। शिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं।
मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे? हाँ। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुँचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है, कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? नागेली धरती में गाड़ देते हैं। महाराज अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। ने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूध बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था। आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। आज से लगभग 5000 साल पहले, जबकि द्वापर युग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और कलयुग आने को था, वो समय इस धरती के लिए बड़ा कठिन समय था। धर्म और धार्मिक मान्यताओं को दुष्टों ने धरती से समाप्त करने की ठान ली थी। तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु ने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। विष्णु का ये अद्भुत अवतार परम योगी कृष्ण भी कहलाया और लीलाधर भी। श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम ने भी अनेक दानवों को अपने बाहुबल से परास्त किया। कान्हा कहें या नटखट कृष्ण कन्हैया, इसके हर रूप पर मोहित था समूचा वृंदावन। बलराम, मेरी रक्षा करे कृष्ण बलराम। शायद आपके कुटी के अंदर हम सुरक्षित रहेंगे। कौन है देव और इस प्रकार आपके पीछे क्यों लगा है? ओ, सोमदेव आप हैं। हाँ चित्रा देवी, देख रहा हूँ हमारे अभिनंदन के लिए आप बहुत उत्सुक हैं। वास्तव में हम अपने पिता महर्षि दक्ष की राह देख रहे थे। ओह, तो ये हार्दिक अभिनंदन आपके पिता के लिए था। हमारी अपार महिमा के सामने उनका अस्तित्व फीका पड़ जाता है। इतना अहंकार कि तू मेरी ही पुत्री के सामने मेरी निंदा करे? द्वार खोलिए। चित्रा देवी, चित्रा देवी आप? सोमदेव, आपको पिताजी से जाकर क्षमा मांगनी होगी। हम भी मन से यही चाहते हैं चित्रा देवी, परंतु वो दानव मार्ग में आपकी रक्षा के लिए मैं और बलदाऊ आपके साथ चलेंगे। धन्यवाद श्री कृष्ण और बलराम। Thank you.
हम अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा है ऋषि दक्ष। उठो सोमा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। सोम को इस भयानक श्राप से मुक्ति दे दीजिए पिताजी। क्रोध से उत्पन्न इस भयानक जीव को वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु किसी दूसरे की ओर मोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा है ऋषि दक्ष, तो आप उसे सोमदेव से हटाकर हमारी ओर मोड़ दीजिए। अपने लक्ष्य को निगले बिना ये आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें विश्वास है कि हम इस जीव पर विजय पा सकते हैं। सावधान श्री कृष्ण बलराम, उसने अब अपनी सारी शक्तियों को जुटाकर अपना सबसे भयानक रूप धारण कर लिया है। राधा, क्या हुआ? तुम्हारे फूल अभी तक उगे नहीं? कान्हा, कल प्रातः देखना, इन डालियों पर इतने फूल होंगे कि उनके वजन के कारण ये डालियां धरती तक झुक जाएंगी। वो दृश्य कितना सुंदर होगा। पर कान्हा, अभी चलो, हमें गाय चराने ले जानी है। हाँ, चलिए बलदाऊ। वत्स, घोर अपमान। क्षमा करें महर्षि दुर्वासा, रति और मेरा सह आदर प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार हमें अनदेखा करके तुमने हमारा घोर अनादर किया है, उसका दंड भी तुम अवश्य भोगोगे। ये देवी रति, जिसके प्रेम में तुम इतने मगन थे कि हमें देख न पाए, वही तुझे और तेरे प्रेम दोनों को भूल जाएगी। ऋषिवर, देखिए तो बलदाऊ, वो दोनों नटखट गायें किस प्रकार पहाड़ी वाले जंगल की ओर भागी चली जा रही है। अभी वापस खींच लाते हैं। कोई रथ बहुत तेजी से इसी ओर आ रहा है। हाँ, हमारी गैया तो ठीक उसके रास्ते के बीच जा बैठी है। हमारी जान बचाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें अपने बारे में और बताएं। आपकी सहायता बिना दुर्वासा के श्राप का तोड़ मैं नहीं ला पाऊंगा। यूं निराश ना हो कामदेव, हमें बताएं, श्राप का तोड़ क्या है? केवल यक्ष राज्य अलकापुरी में खिलने वाले सुगंधिका कमल की गंध से ही रति देवी की खोई स्मृति लौट सकती है। अनुरोध करने पर वहाँ के यक्ष हमें एक कमल वहाँ से ले जाने देंगे? नहीं श्री कृष्ण, कदापि नहीं। बल्कि तालाब के आसपास बहुत कड़ा पहरा रहता है। काम जल्दी और शांति पूर्वक हो जाए, इसके लिए बेहतर रहेगा कि हम सूर्यास्त होने तक यहीं रुकें।
कामदेव, आप तालाब में उतरकर एक कमल एकत्र कर लीजिए। मैं और बलदाऊ यहीं किनारे पर पहरा देते हैं। कामदेव, आप कमल उठाकर किनारे की ओर बढ़िए। मैं और बलदाऊ तब तक इसे रोकते हैं। कामदेव तक पहुंचने के लिए हमें भी यक्ष सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यक्ष प्रमुख स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। दोष का पात्र केवल मैं ही हूँ। श्री कृष्ण और बलराम मेरे अनुरोध पर यहाँ आए हैं। क्या आप ही वृंदावन वासी श्री कृष्ण और बलराम हैं? क्षमा करें सैनिक, सुगंधिका यहाँ ले आओ। हमारी आपके प्रति कृतज्ञता और भेंट स्वरूप ये कमल कृपया स्वीकार कीजिए। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। ये क्या, नदी अचानक कैसे सूख गई? कल तक तो इसमें बहुत जल बहता था। इस बरस तो सावन भी भरपूर बरसा था, फिर इस प्रकार अचानक सूखा पड़ जाना बहुत ही विचित्र सी बात है। देवी, वृंदावन वासियों का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम भूदेवी। वृंदावन वासियों, वृंदावन की पावन भूमि से अचानक ही नदी नाले खेत खलियान सूख जाने का कारण एक अत्यंत ही दुष्ट असुर है, जिसने स्वयं यमुना देवी को पर्वतों में बंदी बनाकर उनके प्रवाह को रोक दिया है। श्री कृष्ण और बलराम, हमारा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र ही उस असुर को परास्त कर यमुना देवी को मुक्त करें। अवश्य भूदेवी। यमुना देवी, मेरे क्रोध से तुझे वो वृंदावन के दो बालक नहीं बचा सकते। जरा उस ओर तो देख दुष्ट असुर, वो वृंदावन के दो बालक कृष्ण बलराम ही हैं, जिन्होंने तुझ जैसे कई दुष्ट असुरों का नाश किया है। मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। क्षमा तुम्हें यमुना देवी से मांगनी होगी। हाँ।
उस असुर ने मेरा प्रवाह रोकने और दिशा बदलने के लिए मेरे पथ में ये पहाड़ गिरा दिया है। यदि आप किसी प्रकार उसे मेरे पथ से हटा सके, तभी मेरा जल फिर से पहाड़ों से नीचे बह पाएगा।